हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक स्वागत है आपका नेशनल सिक्योरिटी इंटरनल सिक्योरिटी और हाल ही में कंट्रोवर्सी में रहे एक बहुत मेजर टॉपिक का आज हम बात करेंगे कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जो सिक्योरिटी है किस तरीके से उसकी डिटेल्स को प्लान किया जाता है कौन कौन सी वो एजेंसीज हैं चाहे सेंट्रल एजेंसीज हो चाहे स्टेट पुलिस हो उसके अलावा कौन कौन से की स्टेक होल्डर्स हैं जो इस पूरी प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं दोस्तों और एज एन आई ऑफिसर पहली पोस्टिंग बस्ती की हो या हाथरस की हो या चंदौली की हो लगभग चार से ज्यादा चीफ मिनिस्टर्स विजिट को खुद विटनेस करते हुए हाथरस में ऑनरेबल गवर्नर के विजिट को विटनेस करते हुए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हुए कई सारी ऐसी चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं कि किस तरीके से वीवीआईपी सिक्योरिटी को प्लान किया जाता है डिटेल्स को आज हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों आज के लेक्चर में सिर्फ हम वही डिटेल शेयर करेंगे जो पब्लिक डोमेन में रेडीली अवेलेबल हैं। मुझे लगता है इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है कि वीवीआईपी विजिट्स को कौन कौन सी एजेंसीज किस किस बेसिक असेसमेंट के बाद प्लान करती हैं क्या कंटीन्यूसी प्लान होते हैं रूट मैप्स होते हैं बेसिकली सिक्योरिटी असेसमेंट रिपोर्ट क्या होती है कैसे एजेंसीज एक दूसरे के साथ टाई अप करती हैं फाइनल बेसिकली ट्रिगर किसके पास होता है गो और नो no गो का इसके बाद हम इसको भी ब्रीफली कवर करने की कोशिश करेंगे कि पंजाब का जो अभी का इवेंट रहा वो बेसिकली किस वजह से हो सकता है क्या उसमें गैप्स हो सकते हैं क्या लैपिस हुए होंगे जिसकी वजह से इतना मेजर सिक्योरिटी ब्रीच देखा गया है दोस्तों सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा हाल ही में जनवरी फिफ्थ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो कैवल है वो रफली 15 मिनट्स के लिए फिरोजपुर के एक फ्लाईओवर पे स्टैंडेड रहा और ये इस वजह से स्टैंड रहा कि उस ब्रिज के आसपास जो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स थे वो स्लोगनिंग करते हुए दिखाई दिए और मामला इतना बढ़ गया शायद इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में यह पहली बार हुआ होगा कि किसी भी सिटिंग बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के कैवल केड़ केड़ को इतनी देर एक जगह एक्सपोज कंडीशन में रुकना पड़ा हो

इसको एक मेजर सिक्योरिटी लैब्स के रूप में देखा जा रहा है इससे पहले हम पंजाब का इवेंट डिस्कस करें मुझे लगता है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी किस तरीके से प्लान की जाती है उसको समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो प्लानिंग है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी कहीं भी उनके विजिट हो बहुत इलेबरेट एक्सरसाइज है जिसमें सेंट्रल एजेंसीज के साथ जो स्टेट पुलिस फोर्सेस हैं वो सभी इन्वॉल्व होती हैं जो ब्रॉड गाइडलाइंस हैं कि किस तरीके से सिक्योरिटी डिटेल्स बेसिकली प्लान की जाए अगर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की विजिट है तो वो एनएसजी एस जी अगर प्रोटेक्टिंग है तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की ब्लू बुक में कंटेंट होती है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का मामला है इनकी सिक्योरिटी को बेसिकली स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप या जिसको एसपीजी भी कहा जाता है उनकी ब्लू बुक बेसिकली गवर्न करती है और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की अगर कोई भी प्लान विजिट हो से तीन या चार दिन पहले जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है एसपीजी है जो एक्चुअली अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए वो एक मैंडेटरी एडवांस्ड सिक्योरिटी या एल जिसको कहा जाता है जिसमें सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं जिसमें एसपीजी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो इन्वॉल्व होती हैं, स्टेट अथॉरिटीज इन्वॉल्व होती हैं, स्टेट पुलिस ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन्वॉल्व होते हैं इन सभी के साथ

इसी बेसिस पे सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को फिर अंजाम दिया जाता है अच्छा ये जो मीटिंग्स हैं एएसएल इसमें क्या क्या डिटेल्स को बेसिकली चॉकआउट किया जाता है जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की कोई भी जनरल विजिट हो तो सबसे पहले तो बहुत मिनट टू मिनट प्रोग्राम का बहुत फिक्स होता है हर मिनट में क्या बेसिकली प्लैंड है कैसे मूवमेंट होगा क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होंगे सारी चीजें इस एएसएल के थ्रू फाइनली की जाती हैं। के अलावा जो आइटनरी है कि कैसे फ्लाई करेंगे चॉपर से आएंगे प्लेन से आएंगे रोड से आएंगे बोट से आएंगे ये सारी चीजें बेसिकली इस एएसएल रिपोर्ट के थ्रू फाइनल की जाती हैं और एक बार जब एएसएल रिपोर्ट फाइनल हो गई सबने इस पर साइन कर दिया तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि फिर उस डिटेल्ड मिनट टू मिनट प्रोग्राम के साथ सभी लोग सेक करेंगे कोई लोग इसको वॉलेट नहीं करेगा कोई इससे डिविएट नहीं होगा उसके अलावा जो मीटिंग है उसमें यह भी डिस्कशन होगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर या ऑनरेबल कोई भी वीवीआईपी किस तरीके से अराइव करेगा एयर से अराइव करेगा रोड से अराइव करेगा रेल से अराइव करेगा और जब एक बार वो लैंड हो जाते हैं तो जो वेन्यू है प्रोग्राम का उस पर कैसे पहुंचेंगे हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे या बेसिकली रोड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुंचेंगे और इस पूरी प्लानिंग में जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं सेंट्रल एजेंसीज लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स के इन सभी को बेसिकली कंसिडर किया जाता है उसके बाद जब ये डिसाइड हो गया कि किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से ट्रेवल करेंगे या वेन्यू तक तो कैसे पहुंचा जाएगा फिर जो वेन्यू है उसकी सिक्योरिटी को प्लान किया जाता है जैसे एंट्री एग्जिट पॉइंट कहां होंगे फ्रिस्किंग किन की होगी कैसे बेसिकली की जाएगी कितने पॉइंट पे की जाएगी उसके अलावा जो डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर्स हैं, जिनको डी एफ एम डी कहा जाता है उनको कैसे प्लेस किया जाएगा इसके अलावा जो मेन डायस है उसकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को भी चेक किया जाता है क्योंकि ऐसे कई इवेंट्स हो चुके हैं जहां पर जो वीवीआईपी डिग्नेटरी हैं क्योंकि पब्लिक एकदम से कई बार स्टेज पे चली जाती है ज्यादा वेट हो जाता है तो कई बार डायस बेसिकली कोलेप्स होने के इंसिडेंसेस भी देखे गए हैं इसके बाद ये एक रेगुलर ड्रिल बन गई है कि डायस की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को भी जनरली जो वहां की गवर्नमेंट एजेंसी होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल यूपी में पीडब्ल्यू या पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट उसको सर्टिफाई करता है कि डायर्स की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी एडिक्वेट है इसके अलावा जो फायर है वेन्यू की उसको एडिट किया जाता है साथ ही साथ जो वेदर रिपोर्ट है उस पर्टिकुलर डे का उसको भी कंसिडरेशन में लिया जाता है कि एयर का बेसिकली डायरेक्शन क्या होगा बारिश हो सकती है हीट कैसी रहेगी कोई स्टॉम तो बेसिकली एक्सपेक्टेड नहीं है एटसेट्रा एटसेट्रा अगर मान लीजिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उनको मान लीजिए बोट लेनी हो किसी जगह को पहुंचने के लिए तो उसकी फंक्शनल रेडीनेस को सेफ्टी जो होगी बोट की इस सब को भी ऑथराइज किया जाएगा सर्टिफाई किया जाएगा मान लीजिए बुशेस हैं या ट्रीज हैं या नैरो पाथ्स हैं छोटे बेसिकली रास्ते हैं उन सभी को बहुत माइन्यूटली मैप किया जाएगा और उसके बाद वहां पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए जाएंगे सिक्योरिटी कॉर्डन बेसिकली लगाया जाएगा जिसमें यूनिफॉर्म में साथ ही साथ प्लेन क्लोथ्स में भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को अंजाम दिया जाएगा मान लीजिए प्लान तो हमने बना लिया एस के थ्रू लेकिन अगर प्लान एकदम से चेंज हो गए तो फिर क्या होगा तो ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए पहले से ही एक अच्छे प्लान का पार्ट होता है एक बैकअप कंटिंजेंसी प्लान भी तो इस वजह से एक कंटिजेंसी प्लान को पहले से एडवांस में ही बेसिकली बनाया जाता है क्योंकि ऑब्वियस ऑबियसली बात है वेदर रिपोर्ट तो आपने देख ली लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हो सकता है कि वेदर ऑल ऑफ ए सडन बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाए या ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जो आपने पहले से एनमिशाज ना की हो अगर मान लीजिए बैड वेदर की सिचुएशन है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर फ्लाई नहीं कर सकते वेन्यू को तो ऑल्टरनेटिव रूट रोड के थ्रू बेसिकली कैसे ट्रेवल करेंगे वो भी एडवांस में ही फाइनल किया जाता है और उस रूट को सैनिटाइज करना सिक्योरिटी बेसिकली प्लेस करना पूरे रोड में जहां से पीएम फ्लाई करें या बाय बेसिकली रूट जाना चाहें वो सारी चीजें पहले से की जाती हैं क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर पहले से प्लान नहीं करेंगे और उस दिन मौसम खराब हो गया या और कोई बात आ गई मान लीजिए चौपर ही खराब हो गया फ्लाई नहीं कर पाया तो ऑब्वियसली बात है अगर पहले से आपका कंटीजेंसी प्लान नहीं है तो लास्ट मिनट में आप सिक्योरिटी डिटेल्स को फाइनल नहीं कर सकते तो इस वजह से हेलीकॉप्टर की विजिबिलिटी क्या होगी क्योंकि हेलीकॉप्टर्स को रफली वन मीटर्स की विजिबिलिटी चाहिए ताकि सेफली फ्लाई कर सके और अगर विजिबिलिटी क्लियर नहीं है क्लाउडी वेदर है रेनी वेदर है थंडस्ट्रॉम है तो उस वजह से हो सकता है हेलीकॉप्टर एक सेफ सिक्योर मोड ऑफ ट्रांसमिशन ना माना जाए कई बार फॉग हो सकता है विंटर्स में इश्यू हो सकते हैं तो इस वजह से आपके जो कंटेंजेंसी प्लान है ऑल्टरनेटिव रूट हैं इनको भी ए का पहले से ही पार्ट बनाया जाता है लेकिन इन सारे रूट्स को जो भी अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स हैं जो भी बेसिकली अल्टरनेटिव रूट्स हैं इनको जब तक की स्टेट पुलिस क्लियर गो एड नहीं देती तब तक उनको फाइनलाइज नहीं किया जाता अगर स्टेट पुलिस कहती है कि जो ऑल्टरनेटिव रूट आप बेसिकली सजेस्ट कर रहे हैं ये सेफ नहीं है या हम इसको गो एड नहीं देते अप्रूव नहीं करते तो उस रूट से विजिट को कैंसिल कर दिया जाता है प्लान बेसिकली नहीं किया जाता है दोस्तों एसपीजी जो कि अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए लेकिन एसपीजी सिर्फ प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है मतलब सिर्फ आसपास की सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है जब ऑनरेबल पीएम किसी भी स्टेट में ट्रेवल कर रहे हो तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट पुलिस की होगी ओवरऑल सिक्योरिटी को लेके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इंटेलिजेंस गैदरिंग को लेके रूट क्लियरेंस को लेके वेन्यू सैनिटाइजेशन को लेके साथ ही साथ क्राउड मैनेजमेंट को लेकर भी इसके अलावा जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जैसे रॉ आरएडब्ल्यू उसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो भी रिस्पॉन्सिबल है इनपुट्स प्रोवाइड करने के लिए अगर उनको कोई लगता है किसी तरह की सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है इन सारे इनपुट्स को चाहे स्टेट पुलिस हो आईबी हो रॉ हो या और कोई इंटेलिजेंस हो इन सब कोलेट करते हुए अल्टीमेट कौन ये डिसाइड करेगा कि एक्चुअली सेफ कंडीशन है अनसेफ कंडीशन है ट्रेवल कर सकते हैं नहीं कर सकते एसपीजी टेक्स द फाइनल कॉल अगर कोई भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट होता है चेंज होता है ये सब एजेंसीज इनपुट तो देती हैं लेकिन एसपीजी फाइनल डिसीजन उस पर लेता है कई बार यह भी लोगों का कहना है कि अगर एसपीजी को यह लगे कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का किसी पर्टिकुलर रूट या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को लेना सेफ नहीं है तो यह भी होता है कि एसपीजी चाहे तो उस बेसिकली ट्रेवल को कैंसिल कर सकती हैं मना कर सकती हैं और स्टेट पुलिस को कह सकती हैं कि आप एंटी साइबोटा चैक्स इंश्योर करिए सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉयमेंट करिए रूफटॉक्स पर स्नाइपर को डिप्लॉय करिए ताकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कि बेसिकली सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके इसके अलावा जो स्टेट पुलिस है वो एक पायलट व्हीकल प्रोवाइड करती है ताकि ऑनरेबल 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 प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर का 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 जो है 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 या चीफ गवर्नर उन सभी को लीड किया जा सके इसके अलावा एक सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या एसपी लेवल ऑफिसर को कैंप कमांडेंट के रूप में डिप्यूट किया जाता है जो कि ओवरऑल सिक्योरिटी के इंचार्ज बेसिकली वहां के माने जाते हैं मान लीजिए ऐसे इवेंट्स हो जहां पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर या ऑनरेबल वीवीआईपी एक्सपेक्टेड है कि वो भीड़ के पास लोगों के पास क्राउड से बेसिकली इंटरेक्ट करना चाहें पब्लिक मीटिंग्स में अगर आप देखें तो बहुत बार ऐसा होता है चाहे वो रैलीज हो रोड शोज हो तो उसमें जो पुलिसमैन है उसमें एसपी लेवल ऑफिसर की डेप्यूटेशन तो होता ही होता है इसके अलावा जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनको प्लेन क्लोथ्स में भी डिप्यूट किया जाता है क्योंकि रैलीज है रैली में हो सकता है जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हों वो नहीं चाहते हो कि हमेशा वो यूनिफॉर्म्ड मैन या वुमेन से घिरे हुए देखे जाए क्योंकि हो सकता है एक करेक्ट बेसिकली मैसेजिंग ना हो ये पब्लिक मासेस के लिए लेकिन क्योंकि उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करना भी जरूरी है तो बहुत बार सभी जगह जो हमारे बेसिकली पुलिस पर्सनल हैं सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो प्लेन क्लोथ्स में कई बार एज पार्टी वर्कर्स या एज कॉमनर्स वहां पे डिप्लॉयमेंट किया जाता है जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं या पॉलिटिकल टीम है ऑनरेबल वीवीआईपी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की या इवन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पर्सनली कई बार हो सकता है लोगों से मिलने के लिए प्रेशर डालें या बेसिकली टेम्टेड फील करें कि लोगों से मिलें डायरेक्टली जाके प्रोटोकॉल को हो सकता है थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल तरीके से वॉयलेट करते हुए और कई बार ऐसा भी होता है कि अल्टीमेटली एसपीजी को एक फाइनल कॉल लेते हुए एडवाइज करना होगा कि इस तरह का वॉयलेशन हो सकता है डेंजरस हो अगेंस्ट प्रोटोकॉल्स हो अगेंस्ट सिक्योरिटी मेजर्स हो इसको एक सिक्योरिटी ब्रीच के रूप में सजेस्ट करते हुए ऑनरेबल वीवीआईपी को अलर्ट करना होगा कि ये एक्शन टोटली अनसेफ भी हो सकता है जैसे एक बहुत फेमस इंसिडेंट है 1999 में जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी विजिट कर रहे थे लाहौर को तो उस वक्त के एसपी जो चीफ हैं जो फॉर्मर महाराष्ट्र डीजीपी हैं संजीव दयाल उन्होंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कैवल को आधे घंटे से भी ज्यादा डिले कर दिया और उनका डिले का रीजन यही था कि जो रूट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को लेना था उसको वहां की लोकल पुलिस ने मतलब पाकिस्तान की लोकल पुलिस ने गो हेड क्लियरेंस नहीं दिया था कि किस तरीके से वो लाहौर फोर्ट तक पहुंचेंगे और इनफैक्ट उन्होंने यह भी कहा कि जब तक वहां की लोकल पुलिस उस पर्टिकुलर रूट को लाहौर फोर्ट तक जाने के रूट को क्लियरेंस नहीं देती एसपी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ट्रेवल करने नहीं दे सकते और इस पूरे एपिसोड के दौरान यह भी कहा जाता है कि जो डिप्लोमेट्स हैं, को जाने क्योंकि है, की बात है और बहुत नेबरहुड की बात है लेकिन एसपीजी चीफ मिस्टर बेसिकली अपनी बात से पीछे नहीं हटे स्टोर ग्राउंड और फाइनली उन्होंने जब तक लोकल पुलिस ने सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दिया तब तक ऑनेबल प्राइम मिनिस्टर को ट्रेवल नहीं करने दिया क्योंकि अल्टीमेटली ये अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एसपीजी की ही है कि बहुत सारे अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं सबके अपने अपने व्यू पॉइंट हो सकते हैं इनपुट्स हो सकते हैं टेमटेशन हो सकती हैं लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज एसपी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप हु इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक द फाइनल कॉल ये है बेसिकली ऑनेबल प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी डिटेल इसके अलावा जो प्रोटेस्टर्स हैं कई बार हो सकता है कि वीआईपी के विजिट हो उसके एडवांस प्लानिंग फैक्टर्स में आप कितना भी सोचने की कोशिश करें लेकिन यह भी हो सकता है कि ऑल ऑफ ए सडन कोई ऐसा इवेंट हो जाए जो आपने बहुत प्लानिंग के बावजूद भी मिस कर दिया हो इसके लिए जो लोकल पुलिस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रियल टाइम जब वो बेसिकली प्लान विजिट एग्जीक्यूट होने के कगार पे हो तो लोकल इंटेलिजेंस को गैदर करें ऐसे ग्रुप्स में नजर रखें जो हो सकता है प्रोटेस्ट करने के मूड में हो और उनके खिलाफ जो भी प्रिवेंटिव एक्शन आपको लेना हो

अब बात हो जाए फाइनली जब हमने समझ लिया कि किस तरीके से वीवीआईपी बेसिकली विजिट्स को प्लान किया जाता है क्या कंटीन्यूसी प्लान होते हैं चेंजेस कैसे हो सकते हैं अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल कौन है फिफ्थ जनवरी को क्या बेसिकली हुआ होगा यह तो अब जो ये कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की है उसकी फाइंडिंग्स के बाद ही क्लियर हो पाएगा लेकिन प्राइमा फेस ही प्रथम दृष्टिया ऐसा लगता है कि जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब श्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने सडनली अपने प्लान को चेंज कर लिया वहीं सेंट्रल होम मिनिस्ट्री का कहना है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम पहले से ही गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कम्युनिकेट कर दिया और जब डीजीपी पंजाब पुलिस ने क्लियर कर दिया कि जो लैंड रूट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लेने वाले हैं वेन्यू तक पहुंचने के लिए वो एकदम पूरी तरह सेफ है क्लियर है उसके बाद ही एसपीजी ने यह डिसीजन लिया कि क्योंकि वेदर खराब है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हेलीकॉप्टर से फ्लाई नहीं कर सकते तो इस ऑल्टरनेटिव लैंड रूट से उनको वेन्यू तक पहुंचाया जाए तो ओवरऑल कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर पंजाब पुलिस क्लियर नहीं थी कॉन्फिडेंस नहीं थी उस बेसिकली रूट की सिक्योरिटी को लेके या उसकी सैनिटेशन को लेके तो उनको यह क्लियरेंस गोहेड एसपीजी को नहीं देना चाहिए था यह भी एक बेसिकली बात है कि क्या एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट साथ ही साथ किस तरीके से जो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स प्रोटेस्टिंग लोग हैं वो उस ओवरब्रिज पर बेसिकली चढ़ गए लोकल पुलिस ने उनको क्यों नहीं रोका या लोकल एजेंसीज को और लोकल एजेंसीज क्यों जो सेंट्रल एजेंसीज हैं फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या उनको पहले से इनपुट्स नहीं था कि इस पर्टिकुलर रूट पे किसी ना किसी तरह का प्रोटेस्ट हो सकता है जिसकी वजह से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे बीबीआईपी की सिक्योरिटी हो सकता है कॉम्प्रोमाइज हो जाए ये सारे के सारे इनपुट क्यों एसपीजी तक नहीं पहुंच पाए या एसपीजी तक पहुंचे तो किस तरीके से डिसीजन लिए गए या हो सकता है कि पूरी इंफॉर्मेशन एसपीजी तक रियल टाइम ना पहुंच पाई हो बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों जिनका आंसर हो सकता है डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने निकल के आए उम्मीद यही है कि इस कैटास्ट्रॉफिक इवेंट या इस मेजर सिक्योरिटी लैब्स से हम एज ए कंट्री हमारा सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट हमारे इंस्टीट्यूशन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारे बेसिकली एसपीजी एनएसजी और बाकी जो एजेंसीज हैं या लोकल पुलिस फोर्सेस हैं ये एक बड़ा सबक सीखेंगी मुझे उम्मीद यह भी है कि जो भी रिस्पॉन्सिबल हो इस मेजर सिक्योरिटी लैब्स के लिए मुझे लगता है हेड शुड रोल इसका मतलब जिसकी भी गलती रही हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए क्योंकि इस तरह के सिक्योरिटी लैब्स को इंडिया बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकता अगर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जैसे वीवीआईपी डिग्निटीज की सिक्योरिटी अगर हम इंश्योर नहीं कर पाएंगे तो मुझे लगता है दैट इज नॉट ए गुड साइन तो दोस्तों आज का लेक्चर मुझे लगता है आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि वीवीआईपी के बिजनेस को कैसे प्लान किया जाता है कौन वो एजेंसीज इन्वॉल्व हैं किस तरह के इनपुट्स इंटेलिजेंस ली जाती है क्या कंटीजेंसी प्लान्स होते हैं प्रोटोकॉल अगर तोड़े तो कौन बेसिकली अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन लेगा गो अहेड या फिर नोगो को लेके स्टेट्यून जय हिंद